जय माता दी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वरूथनी एकादशी आज का मेरा विषय है। वरूथनी एकादशी किस दिन करें, कितने तारीख को करें। वरूथनी एकादशी व्रत करने से सारे संकट, सारे कष्ट दूर होते हैं। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी को वरूथनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी महीने में दो बार होती है, कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो इस बार कृष्ण पक्ष के एकादशी 6 मई दोपहर 2:10 से शुरू हो रही है और 7 मई 2021 को 3:30 तक दोपहर के रहेंगे। तो उदया तिथि व्रत शुक्रवार 7 मई को होता है, तो व्रत 7 मई को आप करेंगे शुक्रवार के दिन, और पारना 8 मई को करेंगे सुबह। पारना का जो तिथि है, मुहूर्त है 5:10 से 8:12 तक। अब आप इस दिन व्रत कैसे करेंगे? सूर्योदय से पहले आप उठें, स्नान करें, स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं और फिर आप व्रत का संकल्प लें। अक्षत, पुष्प, सिक्का, गोत्र, नाम, गांव के नाम। कृष्ण पक्ष एकादशी आप व्रत कर रहे हैं तो कृष्ण पक्ष एकादशी का आप नाम लें। विष्णु भगवान को आप पीला फल, मखाना, खीर चढ़ाए, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाए। तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, आप एक दिन पहले तोड़ लें और फिर आप चढ़ाएं। विष्णु भगवान के जप जरूर करें इस दिन। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन ब्राह्मण भोजन और दान के बहुत ही महत्व है। इस दिन किसी को घर से भूखे ना जाने दें। आप ब्राह्मण तो अभी मिल नहीं रहा है, कोई किसी के घर खाने भी नहीं आ रहे हैं, मंदिर के भी पट बंद है, तो आप खाना बनाकर गाय को खिला दें, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एकादशी के दिन आप गीता पाठ के 11वें अध्याय जरूर आप पाठ करें। घी का दीपक जलाए विष्णु भगवान के सामने लाल बाती डाल के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करें। इस दिन प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए सब्जी में, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। कहते हैं चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े में जन्म होता है, ऐसा सुनते आए हैं हम। सेमी का सब्जी भी नहीं खाना चाहिए, संतान को कष्ट होता है। धन संपत्ति के लिए माँ लक्ष्मी नारायण के साथ में आप पूजा करें, सुबह भी शाम में दोनों समय। शाम के पूजा में लक्ष्मी जी का विशेष पूजा करें। आप खीर बनाएं मखाना के, घी का दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं, विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाएं और शाम में भी ओम नमो भगवते लक्ष्मी वासुदेवाय का एक माला जाप करें। तुलसी के माला से, तुलसी माला से आप करें और तुलसी दल विष्णु भगवान को अवश्य चढ़ाए। विष्णु भगवान की पूजा में आप तुलसी पत्र का भोग में ज़्यादा महत्व है। पूजा करने के बाद आप 3 बार शंख जरूर बजाए। लक्ष्मी नारायण जी से अस्थाई रूप से वास करने के लिए आप प्रार्थना करें मन ही मन। सौभाग्य अखंड रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, हम सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आपके घर में लक्ष्मी नारायण के अवश्य वास होगी। जय माता दी। दोस्तों,